हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइनर फ्रॉक बनाना बताऊंगी। इसके लिए ये मैंने नेट वाला फैब्रिक लिया है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। और इसमें मैं ये लाइनिंग लगाऊंगी, तो लाइनिंग मैंने 2 मीटर लिया है। और ये जो नेट वाला फैब्रिक है ये मैंने 2.25 मीटर लिया है। तो ये दोनों को यूज करके मैं बहुत ही सुंदर सा एक डिजाइनर फ्रॉक बनाना बताऊँगी। इसमें मैं पीछे की तरफ चेन लगाऊँगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो ये जो मैं फ्रॉक बनाने वाली हूँ ये 10 से 12 साल की बच्ची का है, जिसका मेजरमेंट है शोल्डर है 11.5 इंच, चेस्ट 26 इंच है, कमर है 25 इंच और फ्रॉक का जो फुल लंबाई है वो 34 इंच है। तो इसमें से मैं जो टॉप होता है यानी फ्रॉक का ऊपर का पार्ट होता है वो 12 इंच रखूँगी। तो हमें घेरे 22 इंच की कटिंग करना होगा, यानी कि 22 इंच का बन के तैयार होगा। और इसमें एक छोटा सा बाजू लगाऊंगी जिसकी लंबाई 2 या फिर 2.5 इंच रखूँगी। तो ये बहुत ही सुंदर सा है, एक अलग ही टाइप्स मैं आपको बाजू लगाना बताऊंगी इसमें, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो पहले मैं ये लाइनिंग पे कटिंग करूँगी, तो इसको हम पहले 2 फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और पहले हम ऊपर का टॉप की कटिंग करेंगे, तो इसको मैं इस तरीके से 2 फोल्ड कर लूँगी, देखिए बिल्कुल इस प्रकार। और इसका जो चौड़ाई है ये चेस्ट का 1/4 प्लस हम 2 इंच लेंगे, तो जैसे इसका 1/4 चेस्ट का 1/4 ये 6.5 इंच होगा लगभग। और उसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा करके मैंने इसको इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ से लंबाई लेंगे, तो जो फ्रॉक की लंबाई है वो 12 इंच का बनाना है, तो मैंने उससे 1 इंच एक्स्ट्रा करके लिया है। देखिए यहाँ से मैंने 13 इंच लिया है, आधा आधा इंच दोनों तरफ सिलाई में जाएगा। तो इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर का चेन लगाएंगे। तो जैसे शोल्डर है 11.5 इंच, तो उसका हाफ़ करेंगे, तो इस तरीके से हाफ़ करेंगे तो ये आएगा, ये 5.25 इंच आएगा, यानी कि 5.75 इंच। तो यहाँ पे मैंने मार्जिन नहीं लिया है क्योंकि मुझे इसमें स्लीव लगाना है। आर्म होल का चेन लगाएंगे, तो आर्म होल भी उतना ही ले लेंगे जितना शोल्डर है, ये 5.25 इंच ही लिया है मैंने आर्म होल। अब जितना 5.25 है तो 5.25 पे यहाँ भी लगा देंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से, और नीचे से भी इस तरीके से सीधा करके मिला देंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे, तो ये जो गोलाई है 1 इंच से आप दे सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार, देखिए। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल की गोलाई दे दिया है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो चेस्ट है 26 इंच, उसका 1/4 आएगा 6.5 इंच, उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। और कमर का भी हम यहाँ पर 1/4 लेंगे, तो ये 6.25 इंच आएगा और उसमें 2 इंच हमें सिलाई के लिए लेना है, और बिल्कुल इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच या फिर 1/4 इंच पे निशान लगाएंगे और बिल्कुल इस तरीके से हम हल्का सा गोलाई दे देंगे नीचे की तरफ, और सेम हमें कटिंग कर लेना है इसी मार्क पे। ये देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे, तो बिल्कुल आप इस तरीके से देख सकते हैं जहाँ से ये निकले। जैसे मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ बैक पार्ट, तो इसको इस तरीके से 2 फोल्ड करके रखेंगे और इसकी जो चौड़ाई होगी फ्रंट पार्ट से हमें इस तरीके से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और बिल्कुल इस तरीके से रख देना है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट से 1.5 इंच या फिर 1/4 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे ये अस्तर वाला है तो मैंने 1/4 इंच ही लिया है, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से सीधा करके इसको मिला दीजिए। अब ये जो निशान है उसके वो निशान को छोड़ के हमें इस साइड में फ्रंट पार्ट को रखना है और हमें सेम कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया है, देख सकते हैं फ्रंट और बैक पार्ट। तो हम यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे, तो गले का विड्थ मैं 2.5 इंच रखूँगी और यहाँ फ्रंट साइड से ये 3 इंच रखूँगी, तो 1/2 इंच मैंने सिलाई के लिए लिया है, तो ये मैंने 3.5 इंच लिया है गले की लंबाई। और फ्रंट साइड में भी यानी कि बैक साइड में भी चौड़ाई उतना ही रखेंगे 2.5 इंच, और लंबाई इसकी मैं इस तरीके से 1.5 इंच रखूँगी, यानी कि पीछे से ज़्यादा नहीं रखना है, तो इस तरीके से मैंने 1.5 इंच लिया है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर देंगे और बिल्कुल इस तरीके से तिरछा कटिंग कर देंगे। तो ये शोल्डर डाउन हो गया, अब हमें सेम गले की कटिंग कर लेना है उसी मार्क पे। तो यहाँ पे ये कटिंग हो गया है फ्रंट और बैक पार्ट। अब हम घेरे की कटिंग कर लेंगे, तो ये जो कपड़ा है इसको हम 2 फोल्ड करेंगे, तो बिल्कुल इस तरीके से 2 फोल्ड करना है आपको। देखिए मैं पेपर पे बता देती हूँ, ये जो कपड़ा है उसको मैं इस प्रकार 2 फोल्ड कर लूँगी और उसके बाद इस तरीके से हम तिरछा फोल्ड करेंगे। बिल्कुल इस कोने पर पकड़ के हमें इस तरीके से तिरछा फोल्ड कर देना है और यहाँ कोने पे हम कमर का निशान लगाएंगे, तो बिल्कुल इस तरीके से हमें यहाँ पे कमर का निशान लगा लेना है। और यहाँ से हम घेरे की कटिंग करेंगे, तो इसकी जो लंबाई होगी ये हमें 22 इंच लेना है। तो मैं बता देती हूँ कैसे, जैसे फ्रॉक की जो टोटल लंबाई 34 इंच है,
तो उसमें हमें हमने घेरा 12 इंच की कटिंग कर लिया है ऐसे, तो उतना माइनस कर देंगे तो ये आएगा 22 इंच। तो घेरे की जो लंबाई होगी हमें 22 इंच रखना है, देखिए बिल्कुल इस तरीके से इसकी लंबाई हम 22 इंच रखेंगे और प्लस आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए और प्लस नीचे हमें फोल्ड करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मैं 22 इंच रखूँगी लंबाई और प्लस आधा इंच सिलाई के लिए और नीचे भी फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लूँगी। और बिल्कुल इस तरीके से हम गोलाई देके घेरे की कटिंग कर लेंगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार मैं फोल्ड कर लेती हूँ, ये देखिए इस कपड़े को, तो यहाँ पे टू फोल्ड हो गया और उसके बाद ये तिरछा मैंने फोल्ड कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने तिरछा फोल्ड कर दिया है। अब ऊपर वाले फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसमें जैसे मैंने फोल्ड करने के लिए यानी कि फिटिंग के लिए मैंने 2 इंच लिया था, तो ये निशान मैं 2.5 इंच पे लगाऊंगी, ऐसे आधा इंच कम करके लगाएंगे। और यहाँ भी अगर सिलाई के लिए चाहिए तो घेरा में भी आधा इंच सिलाई के लिए लगा लेंगे। अब बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर ऐसे बराबर करके चेन लगा देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नाप के देख सकते हैं इस तरीके से दोनों बराबर होना चाहिए। अगर बराबर ना हो तो आप हल्का सा कम करके बराबर कर सकते हैं। उसके बाद घेरे की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जैसे लंबाई 22 इंच रखना है तो ऊपर आधा इंच आपको एक्स्ट्रा करके लेना है सिलाई के लिए और यहाँ से हम 22 इंच पर निशान लगाएंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से ये 22 इंच पर मैंने निशान लगा दिया और इसी प्रकार हमें 22 इंच पर पूरे में निशान लगा लूँगी। तो ये मैं सारे 22 इंच पर लगा रही हूँ ऊपर से, देखिए तो ये ऊपर से मैंने सारे 22 इंच लिया है, ऊपर आधा इंच सिलाई में जाएगा और नीचे भी हमें जितना फोल्ड के लिए जाएगा तो यहाँ पे 1 इंच या फिर 1.25 इंच हम बढ़ा के कटिंग करेंगे क्योंकि इतना ये फोल्ड में चला जाएगा। तो देख सकते हैं ये घेरे की कटिंग हो गया है। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो ये जो कपड़ा है इसमें से मैं जैसे आर्महोल मैंने 1.25 इंच की कटिंग किया था तो इसकी जो चौड़ाई होगी ये मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लेके कटिंग करूँगी और एकदम चौकोर कपड़ा मैं इसमें से कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने चौकोर कपड़ा कटिंग कर लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 1.25 इंच लिया है। तो मैंने 3 इंच आर्महोल से 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, आर्महोल 1.25 इंच था तो यहाँ पे मैंने 1.95 इंच लिया है। उसके बाद इस तरीके से कोने से फोल्ड करेंगे और फिर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमें तिरछा फोल्ड कर देना है और उसके बाद यहाँ पे हमें स्लीव की लंबाई रखना है। तो ये स्लीव बहुत ही सुंदर सा है, ये जितना आप छोटा बनाएंगे उतना ही आप अच्छा लगेगा ये। तो यहाँ पे मैंने ये 3 इंच लिया है, आधा इंच सिलाई में जाएगा तो ये 2.5 इंच बच जाएगा। तो इस तरीके से मिलाने के बाद हम कटिंग करेंगे। उसके पहले एक बार आप फिर से देख सकते हैं, ये देखिए मैंने ये चौकोर कपड़ा था तो फिर मैंने इसको इस तरीके से तिरछा फोल्ड किया और फिर मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया, यानी कि हमें इस तरीके से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर देना है और उसके बाद इस तरीके से निशान लगा के कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर ये स्लीव की कटिंग हमारा हो गया है, इसी के जैसा मैं एक और कटिंग करूँगी। तो ये देखिए मैंने दोनों स्लीव कटिंग कर लिया है। अब हमने जो सारे पार्ट कटिंग किया है मेन फैब्रिक पे रख के सेम साइज की कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं पहले मैं ऊपर वाले पार्ट को कटिंग कर लेती हूँ। इसी प्रकार आपको ऐसे फोल्डेड साइड से रखना है, ये फ्रंट पार्ट को फोल्डेड साइड से रखेंगे और बिल्कुल सेम साइज की कटिंग कर लेंगे और बैक पार्ट को आप किसी भी साइड में रख के कटिंग कर सकते हैं। और फ्रॉक के जो स्लीव है यानी बाजू की कटिंग हम बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने अस्तर पर कटिंग किया था इस तरीके से तिरछा ही कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इसमें दोनों हमारा बाजू कटिंग हो गया है और ये सारे पार्ट मैंने कटिंग कर लिया है इसी प्रकार रखते हुए, ये देख सकते हैं। अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो पहले मैं फ्रंट पार्ट की सिलाई करके बता रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमें अस्तर को पहले नीचे रख देना है, उसके बाद हम मेन फैब्रिक को इसके ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको बाजू नहीं लगाना हो तो आप आर्म होल को भी इसी साथ ही सिलाई लगा के फिनिशिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे बाजू लगाना है तो मैं सिर्फ गले पर ही इस प्रकार सिलाई कर लूँगी। देखिए सिलाई करने के बाद हम यहाँ पे कट लगा देंगे। तो ये जो सिलाई है बिल्कुल वो सिलाई नहीं करना चाहिए इस तरीके से। कट लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से सीधे साइड में पलट देंगे और पलटने के बाद आपको इस तरीके से इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेना है। तो ये गले पे मैंने सिलाई लगा लिया है। अब चारों बगल इस तरीके से सिलाई लगा के अस्तर को इसमें अटैच कर दूँगी। बिल्कुल इसी प्रकार अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है देखिए इस तरीके से काट के आपको
बराबर कर लेना है। उसके बाद ये मैं पट्टी यहाँ पे अटैच करूँगी, जिसकी चौड़ाई मैंने 5.5 इंच लिया है। देखिए इसको इस तरीके से यहाँ पे मैं अटैच करूँगी। तो पहले मैं इसका सेंटर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ये सेंटर में मैंने इस तरीके से ये निशान लगा लिया है। अब इसको इस तरीके से सीधा करूँगी और जो ये सेंटर बना है बिल्कुल उसी के ऊपर मैं इस प्रकार सिलाई कर लूँगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक। ये मैंने सिलाई लगा लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ नीचे की तरफ भी एक सिलाई लगा दूँगी ताकि ये तीनों लेयर एक ही में अटैच हो जाएगा। देखिए तो इस तरीके से मैंने नीचे भी सिलाई लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को तैयार कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे इसको अलग कर देती हूँ, एक ही में जॉइंट है। अब उसके बाद इसको इस तरीके से हम रखेंगे, यानी कि सीधे साइड को ऊपर करके रखना है और उसके ऊपर इस तरीके से मेन फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए पहले तो बिल्कुल इसी प्रकार मैं दोनों में लगा लूँगी। देखिए बिल्कुल इस तरीके से सिलाई करने के बाद हमें ऐसे कट लगा देना है राउंड में, और कट लगाने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको सीधे कर लेना है दोनों पार्ट को। तो ये मैंने दोनों पार्ट को सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो ये सिलाई बिल्कुल किनारे पे नहीं लगाना है, इस तरीके से एक पॉइंट अंदर की तरफ ही लगाएंगे, क्योंकि इसे सिलाई से ये गला हमारा फिनिशिंग हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे किनारे किनारे सिलाई कर देती हूँ ताकि अस्तर इसमें अटैच हो जाए। तो इस प्रकार मैं दोनों में कर लूँगी। तो ये दोनों पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें चैन लगा लेंगे। तो चैन लगाना मैंने इसके पहले भी बताया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर इस वीडियो के एंड में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब मैं इस तरीके से शोल्डर को जॉइंट कर लेती हूँ। देखिए तो यहाँ पे मैं बैक पार्ट को मैंने सीधे करके रखा है, ऊपर से मैंने फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखा है। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं एक पट्टी लूँगी, ये मैं पट्टी के साथ जॉइंट कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ शोल्डर जॉइंट हो। तो ये पट्टी मैंने फ्रंट साइड में रखा है, देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब इसके ऊपर हमें सिलाई कर देना है, इस तरीके से। सिलाई करने के बाद हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे मार्जिन को ढकते हुए। देखिए बिल्कुल इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है मार्जिन को ढक के, और फिर इस साइड से भी आपको जो एक्स्ट्रा है उसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है, और फिर उसको एक बार और फोल्ड कर देंगे बिल्कुल इस प्रकार। आप देख सकते हैं इसके ऊपर अब हमें सिलाई कर देना है। अब बिल्कुल इसी प्रकार मैं दोनों शोल्डर को तैयार कर लूँगी जॉइंट करके। ये देखिए यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है इस तरीके से शोल्डर को हम बराबर कर लेंगे कटिंग करके। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर को बराबर कर लिया है। अब मैं इसमें स्लीव जॉइंट कर दूँगी। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको अस्तर को इस तरीके से सिलाई लगा के अटैच कर दिया है। अस्तर को दोनों को मैंने फिक्स कर दिया है। अब इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी और यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर में कट लगा लूँगी, और बिल्कुल इस तरीके से हम डबल ही इस स्लीव को जॉइंट करेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से डबल रखना है और सेंटर से ही हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। देखिए तो बिल्कुल इस तरीके से हमें रखते हुए, सिर्फ आपको ऐसे रखते हुए आपको सिलाई कर देना है। तो ये सिलाई जो बाजू है इस तरीके से ये छोटा भी हो जाता है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये जितना छोटा आप लगाएंगे उतना ही बहुत ही सुंदर सा लगता है। तो ये देखिए मैं इसी प्रकार इस साइड में भी ज्वाइंट कर लेती हूँ। इसी प्रकार मैंने दोनों बाजू को ज्वाइंट कर लिया है, ये देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इतना ये फिटिंग में जाएगा, ये देख सकते हैं। अब इस तरीके से आपको फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को इस तरीके से रख देना है, और यहाँ पे जैसे 2 इंच आपने फिटिंग के लिए लिया था तो यहाँ पे निशान लगा देती हूँ और यहीं से मैं फिटिंग कर दूँगी। उसके पहले यहाँ पे मैं पीछे की तरफ बांधने के लिए मैं छोड़ी तैयार करूँगी। तो इस तरीके से इसकी लंबाई मैंने 19 इंच लिया है,
और इस तरीके से डबल ये मैंने अस्तर को भी लिया है। इसमें देखिए इसको इस तरीके से बराबर करके इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है। अब इसको इस तरीके से रखूँगी और यहाँ पे 1 इंच या फिर 1.25 इंच दूरी से इस तरीके से सिलाई करते हुए यहाँ पे इस तरीके से तिरछा लगा के उतार देंगे। और एक छोटा वाला मैंने लिया है जिसकी लंबाई 9 इंच और चौड़ाई मैंने 4 इंच लिया है। इसको भी इसी प्रकार इस तरीके से 2 फोल्ड करूँगी। देखिए और उसके बाद उसी प्रकार हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से हम तिरछा लाएंगे और बिल्कुल यहाँ पे आने के बाद हल्का सा कम करते हुए यहाँ पे बिल्कुल जैसे मैंने निशान लगाया है उसी प्रकार मैं सिलाई करूँगी। तो यहाँ पे ये 1.25 इंच है और यहाँ पे ये 1 इंच आ गया है लगभग। अब बीच में हम इस तरीके से धागे की मदद से मैं इसे सीधा करूँगी। तो यहाँ पलट के मैं एक पिन लगा देती हूँ ताकि जो अस्तर है ये इधर उधर ना हो। तो कोई भी पतला चीज़ से आप सीधा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैं धागे से ही सीधा कर लेती हूँ। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से करके हम इसके ऊपर सिलाई कर देंगे उसी निशान पे। और सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरीके से काट के निकाल देंगे और उसके बाद इसी धागे को इस तरीके से खींचते हुए हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे जो गांठ आपको लगाना है ये थोड़ा बड़ा लगाना है, नहीं तो इस तरीके से खींचने से निकल जाता है। तो देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब इस धागे को यहाँ से कट कर दूँगी। इसको इस तरीके से आप खींच के कोने को अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए ये मैंने तैयार कर लिया है। उसी प्रकार ये मैंने चारों को तैयार कर लिया है। ये मैं 2 बड़ा वाला मैंने तैयार किया है और 2 छोटा वाला तैयार किया है मैंने। तो ये जो बड़ा वाला है इस तरीके से ये मैंने 18 इंच लंबा है और ये जो है ये छोटा वाला मैं 8 इंच रखूँगी और बाकी को मैं इस तरीके से काट के निकाल देती हूँ। इस तरीके से ये चारों तैयार हो गया है। अब हम इस तरीके से टॉप को लेंगे, टॉप वाले पार्ट को, और यहाँ पे इसको इस तरीके से रखूँगी। देखिए नीचे से 1 इंच ऊपर की तरफ रख के इसको यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो मैं पिन लगा देती हूँ, बाद में इसको सिलाई लगा के अटैच कर दूँगी। देखिए हाँ बिल्कुल उसी प्रकार इसको भी इस साइड में रखना है। फिलहाल मैं इसको पिन लगा के अटैच कर देती हूँ, बाद में हम सिलाई से इसको अटैच कर लेंगे। और इसको मैं यहाँ पर अटैच करूँगी इन दोनों को। तो सिलने के बाद इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से आएगा ये घेरे के ऊपर, देख सकते हैं। तो नीचे की तरफ इस तरीके से आएगा। तो अभी हम इसको इस तरीके से रख के यहाँ पे सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। अब इस तरीके से बैक पार्ट को इसके ऊपर ऐसे लाएंगे और देखिए अब साइड फिटिंग कर देती हूँ मैं। तो ये सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल ये जो मैंने यहाँ पे पिन लगा के अटैच किया है ये अटैच हो जाएगा। जब हम ये सिलाई लगाएंगे इस प्रकार तो ये बिल्कुल इस तरीके से इसमें जॉइंट हो जाएगा। देखिए इसके ऊपर सिलाई आएगा। तो मैं इन दोनों साइड में सिलाई लगा लेती हूँ। तो इस प्रकार मैंने पूरे में सिलाई लगा लिया है, ये देख सकते हैं। अब हमें घेरे को तैयार कर लेना है। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ और घेरे को मैं तैयार कर लेती हूँ। तो ये मैंने लाइनिंग लिया है जो अंदर के साइड में लगाना है। तो देखिए बिल्कुल इस प्रकार यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये इधर से ओपन है तो यहाँ पे सिलाई लगा के हम अटैच कर देंगे, इसको जॉइंट कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ नीचे से फोल्ड कर देंगे। तो नीचे से पहले ये तिरछा है यानी कि रेव कपड़ा है, तो पहले हम इस प्रकार सिंगल फोल्ड करेंगे यानी कि पूरे में इस तरीके से एक बार फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देख सकते हैं पहले हमें इस तरीके से सिंगल फोल्ड कर देना है। अब उसके बाद हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। तो ये मैंने पूरे में ये सिंगल फोल्ड कर दिया है। अब एक बार और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए मैं इसके ऊपर डबल सिलाई कर लेती हूँ। तो कभी भी तिरछा जगह पे आपको फोल्ड करना हो तो सिंगल यानी कि एक ही बार में फ़ोल्ड करने से वो उतना फिनिशिंग नहीं आता है। जब हम डबल फोल्ड करते हैं तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो गया है। इसी प्रकार मैंने ये ऊपर वाले पार्ट को भी यानी कि इस तरीके से मेन फैब्रिक को भी तैयार कर लिया है, नेट वाले को। ये देख सकते हैं इसको भी मैंने नीचे से ही फोल्ड ही किया है, ये बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो गया है। अब हम इसको इस प्रकार इसके अंदर डालूँगी। तो ये जो नेट है मैंने इसको सीधा करके रखा है, ये देख सकते हैं। अब इसके अंदर ये उल्टा ही है, इसको इसी प्रकार मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलाई से सिलाई मिला के रखना है, पकड़ना है ऐसे।
और ये पूरा नीचे तक आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को बराबर ही रखा है, आप चाहे तो छोटा बड़ा भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करूँगी, ये मैं सिलाई लगा के ये पहले इस दोनों को एक साथ अटैच कर देती हूँ। तो सिलाई लगा देने से ये थोड़ा सा ज़्यादा फैलाव नहीं आएगा इसमें। अब उसके बाद हम इसके अंदर इसको इस तरीके से डाल देंगे। देखिए इसको पहले उल्टा करके रख दिया मैंने घेरे को, और उसके बाद इसको हम इसको सीधा करके ही रखूँगी और इसके अंदर बिल्कुल इस तरीके से मैं कर अंदर लेके जाऊँगी। और यहाँ पर जो सिलाई है, दोनों की सिलाई को हम मैच करके रखेंगे यहाँ पर दोनों साइड से। और यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से हमें सिलते हुए, ये बड़ा लग रहा है लेकिन जब हम सिलेंगे इस तरीके से तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो देखिए हमें जो मार्जिन है इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई करना है। तो पहले मैं यहाँ पे पिन लगा के इसको अटैच कर देती हूँ फिलहाल, और इस साइड में भी मैं पिन लगा देती हूँ। तो इधर का भी जो मार्जिन है उसको भी हम पहले इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, देखिए, और यहाँ भी पिन लगा देती हूँ। और बिल्कुल अब इस तरीके से बराबर करते हुए मैं इसके ऊपर सिलाई कर लूँगी। तो ये मैंने सिलाई लगा लिया है यहाँ से, आप देख सकते हैं। इसको अब हम सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद बिल्कुल ये इस प्रकार आ जाएगा, ये फ्रॉक हमारा तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये पूरा हमारा फ्रॉक तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक फ्लावर ये मैंने बनाया है जो लगा दूँगी। तो अगर आप इस तरीके से फ्लावर सीखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। तो इस तरीके से फ्लावर बना के आप कहीं भी अगर ज़्यादा बनाते हैं तो इस तरीके से लाइन से भी चार पांच आप अटैच कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे अच्छा लगे उस तरीके से आप लगा सकते हैं इस पर फ्लावर बना के। मैं यहाँ पर लगाऊँगी, तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगा दिया है। इसका लुक अब इस तरीके से आएगा। और ये जो बड़ा वाला पट्टी मैंने बनाया था इसको मैं पीछे की तरफ इस तरीके से पहनने के बाद बांध देंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।